रहानो, तुमने तुमने क्या क्या ख्वाब दिखाए थे मुझे? बेटा वो बुनियाद बिल्डर्स की कोटेशन देखनी है, मगर अभी मैं जा रहा हूँ। क्या वो सब फेरीज है ना? वो फ्रॉड और झूठी औरत फिर घर पे आई हुई है, बैठी हुई है। क्या मतलब फिर आ गई है? वो कैसे आ सकती है वापस? इसका मामला क्या हो रहा है? यही तो जानना है कि मामला क्या है, इसीलिए जा रहा हूँ। रुके डैड, आपसे कुछ नहीं होने वाला, मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। अरे रहने तो बेटा, मैं देख लूंगा। अगर आपने देखना होता ना तो वापस ना आती। मैं चलता हूं आपके साथ, मैं देखता हूं। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बंद कर देती हूँ। तंग तो नहीं किया अरीश ने आपको? अगर अरीश तंग करेगी तो उसका करना बनता है। जो काम तुमने इस रूम में मुझे तंग करके करना था वो तो मेरे हिस्से में आया नहीं। अब वो काम अरीश करेगी। ये भी ठीक है। मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए, थक गई होगी। नहीं नहीं अम्मी, लंच कर लिया था मैंने। बस काम बहुत था ऑफिस में, आज थकावट ज्यादा हो गई। देखो अरुज, अगर ज्यादा काम है तो छोड़ दो, अल्लाह खैर करेगा, जिंदगी गुजर जाएगी। काम छोड़ देने से जिंदगी नहीं गुजरती। जिंदगी गुजारने के लिए फाइट करनी पड़ती है, अपने हक को छीनना पड़ता है। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, अपना हक लेना बहुत मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं होता। तो तुम क्या करोगी? कुछ तो करूंगी, सोच रखा है। क्या करोगी मुझे नहीं बताओगी? वक्त आने पे सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। देखो अरुज, एक बात याद रख ली, हम बहुत कमजोर लोग हैं। अपने आप को कमजोर जाहिर करना दुश्मन को मजबूत करना होता है। ठीक, जो भी करना बहुत एहतियात से कर। क्योंकि अब मुझमें कोई भी बुरी खबर सुनने की हिम्मत नहीं है। आप बेफिक्र हैं,
आपकी बेटी नाकाम नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने सलमान की बहुत अच्छी तरबियत की है, एक मिसाली माँ बन के पाला है आपने उसे, लेकिन वो भटक चुका है अम्मी, और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जितनी ये बात तकलीफ दे आपके लिए है उतनी ही मेरे लिए भी है, मगर मुझे ये लगता है कि जितनी जल्दी हम दोनों इस बात को तस्लीम कर लेंगे इसी में हम दोनों की बेहतरी होगी। बाहया इंसान अगर किसी इंसान से पीछे हटता है तो बेहया इंसान को लगता है कि वो बुस्तिल है, पर आपको पता है अपने हक के लिए आवाज ना उठाना भी बहुत बड़ी नाशुक्री है अल्लाह ताला की। मैंने सोच लिया मैं अपने हक के लिए खड़ी होंगी, पर अब मैं आप लोगों में से किसी की भी नहीं सुनूंगी। कहाँ है वो मसरत? अंदर बैठी हुई है लाउंज में। मॉम हमें यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती अगर आप उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल देती। हाँ। वो यहाँ जम के बैठ गई है। अगर दरवाजे पे शोर करती तो क्या कर लेते हम? बेटा शायस्ता ठीक कह रही है, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, अगर वो ऐसा करेगी तो जबान बंद कर दूंगा उसकी।